सभाई के बाद अब पीड़ितों के मुआवजे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने बाढ़ पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया और दिल्ली जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देकर मुआवजे की रकम लेने की नसीहत दे डाली। दिल्ली जाए और दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी के सब नेता वहाँ धरना दे और धरना देके जो आवश्यकता है राशि की वो राशि लेके आए। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधा। क्या ये अमानवीयता की पराकाष्ठा नहीं है? हमसे कह रहे हैं केंद्र से सहायता मांगो, केंद्र से सहायता मांगो, ये सरकार की तमाशा है। वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसानों को जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। जिसकी फसल क्षतिग्रस्त हुई हो उसे पूरा पूरा मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे सोया हो चाहे उर्दा हो, एक एक किसान की भरपाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में इस साल आई बाढ़ से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख के पूर्वी हिस्से में चीन बॉर्डर के नजदीक युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास में वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। पूर्वी लद्दाख में सेना के इस अभ्यास को रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये युद्ध अभ्यास चीन के लिए भी कड़े संदेश की तरह है, जो आतंकवाद से लड़ने की बातें तो करता है लेकिन बाद में आतंक परस्त पाकिस्तान को ही गोद में बैठा लेता है। अब तक तो सेना ने लद्दाख के इस हिस्से में युद्ध अभ्यास नहीं किया था, लेकिन आर्टिकल 370 और धारा 35 से हटने के करीब डेढ़ महीने बाद सेना ने वहां दम दिखाया। सेना के T-90 भीष्म टैंकों की गड़गड़ाहट तो ऐसी थी कि दुश्मन भी कांप उठे। युद्ध अभ्यास में टैंकों को पहाड़ों पर मुश्किल चढ़ाई करते हुए भी देखा गया। वायुसेना ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। वायुसेना के जवानों ने पैराशूट की मदद से लद्दाख की पहाड़ियों पर कूदने का अभ्यास किया। रात के अंधेरे में C-17 लड़ाकू विमानों ने भी अपना दम दिखाया। युद्ध अभ्यास में ट्रांसपोर्ट विमान C-130J और Mi-17V5 चॉपर ने भी अपना जलवा बिखेरा। सेना के नॉर्दर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने भी इस अभ्यास में हिस्सा लिया। जल्द राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आज अयोध्या में सनातन धर्म संसद का आयोजन किया गया है। इस धर्म संसद में देश भर से संत और धर्माचार्य शामिल होंगे, जिसमें राम मंदिर निर्माण के लिए आ रही बाधाओं पर चर्चा की जाएगी। इस धर्म संसद का आयोजन तपस्वी छापनी में किया जाएगा, जहां पर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। अभी तक जो भी धर्म सभा हुई, कहीं धर्म सभा, कहीं संत सम्मेलन, कहीं ये परम 108 परम धर्म संसद, लेकिन सनातन धर्म संसद अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए चूंकि हमारा धर्म सनातन धर्म है और सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म संसद जिसमें हजारों धर्माचार्य एक साथ बैठ करके और हनुमान जी की आराधना करेंगे कि राम मंदिर निर्माण में जो भी विघ्न बाधाएं हो वो दूर हो और राम मंदिर का निर्माण जो है शीघ्र होना चाहिए। सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी सेहत की जांच करवाने पहुंचे। जलने वाला होगा दूर लो ले सकते हैं, बुढ़े बाड़े इधर से ले लेते हैं। तो बहुत फायदा है इससे, इससे हमारे को जो दवाइयाँ आम जरूरत हैं जो नहीं अभी मिल सकती हैं वो यहाँ पे मिल सकती हैं सर। बिहार के हाजीपुर में बारिश की वजह से एक अस्पताल के अंदर पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पानी हॉस्पिटल में लगा हुआ है, मरीज को दिक्कत हो रहा है। बारिश होने से पूरा पानी अंदर चला है, इमरजेंसी के अंदर लोग बैठ रहे हैं, चैम्बर है उसमें पानी घुस गया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में हादसे के बाद भाग रहे एक कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आरोपी ड्राइवर रुकने के बजाय सामने आए आदमी को बोनट पर घसीट